सम्स नंबर 99, फर्स्ट जनवरी को अंडरलाइन करो। अबान ड्रोज ए बिल ऑन भीपोति, अबान ड्रोज को अंडरलाइन करो। और किसके ऊपर कर रहा है? विभूति के ऊपर। कितने का? 6000। आफ्टर थ्री मंथ को भी आप अंडरलाइन कर दो। इसके बाद वापस एक लाइन अंडरलाइन करना है, ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट डे, यानी एक जनवरी को नहीं, कितने जनवरी को? 2 जनवरी को। विभूति एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू अबान। बिल लेने का और बिल देने का एंट्री हो गया, एक एक एंट्री। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अबान एंड विभूति। ए और बी के बुक में क्या एंट्री करेंगे? अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का अलग अलग, उस जैसे अभी हम लोग कर रहे थे अलग अलग, उसी तरह अलग अलग करना पड़ेगा। पहला अंडरलाइन कीजिए, एज्यूम दैट द बिल वॉज ऑनर्ड। अच्छा हुआ ऑनर्ड हो गया, नहीं तो हर एक का डिजनर होने से आपको उसके नीचे एंट्री करना ही पड़ता। पहला क्या बोला है? द बिल इज रिटेन अंटिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। बिल आया, बिल दिया, ड्यू डेट में हमारे पास रुपया आएगा, बिल जाएगा, इसके पास बिल आएगा, रुपया जाएगा, काम खत्म। बिल लेने का, बिल देने का एंट्री हो गया। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? आप डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट का एंट्री करेंगे, डिस्काउंट का एंट्री करेंगे, ड्यू डेट में ये पेमेंट करेगा, बट हमारे पास ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि हम लोग के पास बिल नहीं है ओनर्ड में, बट डिजोनर होता तो एंट्री होता। थर्ड, बिल इंडोर्स कर रहे हैं समर को, बिल आया, बिल गया, समर को देने का एंट्री करेंगे, ड्यू डेट में ओनर्ड हुआ है, ये ओनर्ड का एंट्री करेगा, बट ड्यू डेट में हमारे पास रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि बिल किसके पास है? लेकिन अगर डिजोनर होता तो एंट्री फिर यहां पर एक हो जाता। फोर्थ, द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपको डेट नहीं दिया है तो हम फोर्थ नंबर यहां पर देंगे, सर्कमटेंसेस। केस नंबर फोर, भेजने का एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल, ड्यू डेट में ये रुपया देगा और ड्यू डेट में हमारे पास भी एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डीआर रुपया आएगा। तो बोलिए, ये चारों को सीखने के लिए आपने कितना क्लास लगाया था? और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक सम से ये चारों पूछ लिया। आप इसके पिछले चार क्लास में अगर अब्सेंट किए हैं कहीं पर भी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो हम लोड कर रहे हैं। आप बिल ऑफ एक्सचेंज को बढ़िया से, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो होगा, रिटेन, रिटेन के बाद फिर क्या होगा, डिस्काउंट, सेंड फॉर कलेक्शन, इंडोर्समेंट, फिर डिजनर का बिल। अगर आप कहीं पर भी अब्सेंट किए हैं तो आपको एक एक वीडियो को बढ़िया से देखना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप एग्जाम में ना कर सके, समझ लीजिएगा। तब तो हम लोग बोलते हैं आप लोगों को कि प्रेजेंट रहिए, बट जिस समय प्रेजेंट होने के लिए बोलते हैं तो आप लोग को लगता है कि हम प्रेजेंट हो या नहीं हो, सर का क्या लेना देना है। और एग्जाम में क्या होता है, सारे टॉपिक को वो जानना चाहते हैं, आपने टॉपिक छोड़ दिया तो प्रॉपर वे से नहीं भी हो सकता है। ध्यान से देखो और करो। अबान, आप आमने सामने, जैसे हम समझा चुके हैं पहला ही क्लास में, एक तरफ ये कॉपी, एक तरफ ये कॉपी में, हम सोच रहे हैं ये मेरा एक है, ये किया है, बट आपको कौन सा में करना है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, ये भी ध्यान रखेंगे। अबान, डेट का कॉलम में ईयर लिख दिए, जनवरी फर्स्ट। अबान ड्रोस ए बिल ऑन विभूति, हम लोग अबान बनेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है बोलिए, बिल्स रिसेबल अकाउंट डीआर सिक्स थाउजेंड। विभूति बनेंगे, हम लोगों ने किसको दिया है बिल बताते जाइए, अबान अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल अकाउंट, अभी बिल किसके पास आ गया, अबान के पास।
अब पहला नंबर केस, द बिल इज रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक आपके पास था, 3 महीने का है, मैच्योरिटी निकालिए। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, क्या आएगा बोलिए? 4 अप्रैल, ये पहला नंबर हम लोग कर रहे हैं। बोलो क्या होगा, बताते जाइए, बोलिए क्या होगा यहां पर, क्या होगा बोलिए? ऑनर्ड हुआ है तो क्या होगा, बिल आएगा और क्या जाएगा, रुपया जाएगा। ये पहला केसेस हो गया। यहां पर क्या होगा, रुपया आएगा और बिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पहला एंट्री हो गया। सेकेंड क्या बोला है, द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। देखो ये सोचना नहीं है एंट्री, अलग केस, एक केस खत्म हो गया। बिल मिला, बिल कब डिस्काउंट के नहीं दिया हुआ है, डेट में हम लोग क्वेश्चन मार्क दिए, डिस्काउंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डीआर तो बिल्स रिसीवेबल कितने का आपने किया है, 5,500। देखो ड्यू डेट में ऑनर्ड हुआ है, बिल आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक, रुपया जाएगा। बट यहां देखिए, यहां ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री ऑन ड्यू डेट लिखने का दरकार नहीं है, बट याद रखेंगे यहां पर ऑनर्ड हुआ है, इसीलिए ड्यू डेट में यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि अबान के पास बिल नहीं है। किसके पास है, बैंक के पास, विभूति बैंक से बिल लेगा, पैसा उधर देगा। थर्ड क्या बोल रहा है बोलो, द बिल इज इंडोर्स इन फेवर ऑफ समर। ये देखिए समर को कब इंडोर्स कर रहा है नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। किसको दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसके नाम को डेबिट करेंगे, समर अकाउंट डीआर जो चीज उन्हें दी जाए, समर अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल किसके पास चला गया, समर के पास, बट ड्यू डेट मैं बोल रहा है ऑनर्ड हो गया, यह ड्यू डेट हम लोग लिख दिए। ऑनर्ड होने से ही एक ही काम करेगा, बोलिए क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहां पर ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बिल अबान के पास नहीं है। लास्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ये जो 4 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, सेंट कर दिए कलेक्शन में, तो क्या जनरल एंट्री होता है बोलिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर, क्या भेजा जा रहा है कलेक्शन में, बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये कलेक्शन में भेज दिए। बट ड्यू डेट में बिल ऑनर्ड हो रहा है, ये देखिए ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, ऑनर्ड हो रहा है, क्या जर्नल एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर
बिल आएगा और क्या जाएगा? रुपया जाएगा। यहां देखिए, यहां पर इस बार ड्यू डेट में एंट्री होगा। क्यों एंट्री होगा बोलिए? क्योंकि कलेक्शन में भेजे हैं, जब ये रुपया दिया तो रुपया हमारे पास आएगा। क्या जन एंट्री होगा बोलिए? बैंक अकाउंट डीआर यस टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब आप खुद सोचो, देखिए क्या हुआ। आप एक एक टॉपिक को याद कीजिए, ये एक एक टॉपिक को, ये एक टॉपिक था, पूरे एक क्लास में समझे थे। फिर ये एक टॉपिक था, एक क्लास में समझे थे। फिर ये और ये एक टॉपिक था, एक क्लास में समझे थे। ये और ये एक टॉपिक था, एक क्लास में समझे थे। सोच के देखिए, चार क्लास में जो आपने समझा वो एक सम्स में उसने जान लिया। अब यहां पर जरा एक बात को समझ लो, यहां पर ओनर बोला था, अगर डिजोनर बोलता तो क्या होता? ये बिल्स पेबल टू अबान होता, हर जगह वही होता, क्योंकि वो तो अगर ओनर होता है तो बिल्स पेबल टू बैंक लिखता है, और अगर डिजोनर होगा तो यहां जो एंट्री रहता है उसको वो अपोजिट कर देता है। यहां पर हम लोग पहला आपके पास था, तो यहां पर किससे मिला? विभूति से, टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा ये होता, ये भी होता, यहां तो ये उलट देता एंट्री को, बट हम लोग को भी यहां एंट्री करना पड़ता है, इसके नीचे ग्रीन वाले के नीचे डिजोनर का एंट्री करना पड़ता है ड्यू डेट के पास। किससे मिला था? तो विभूति। किसको दिए थे? बैंक को। तीसरा के लिए भी हम लोग को जनरल एंट्री यहां पर करना पड़ता, इसके नीचे ब्लैक के नीचे, अगर डिजोनर होता तो। किससे मिला? विभूति से। किसको दिए थे? समर को। कलेक्शन में भेजने का एंट्री जरूर होता, बट यहां पर बैंक नहीं होता। किससे मिला? विभूति से। और किसको भेजें? सेंट फॉर कलेक्शन।